हेलो नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुदेश कुमार। दोस्तों हम यहाँ पे कर रहे थे यूजीसी नेट पेपर वन की रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक क्षमता यूनिट को। तो दोस्तों इसमें चैप्टर सात तक यानी कि सात चैप्टर इससे पहले मैं ला चुका हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड के, और आज हम लेकर आए हैं चैप्टर आठ। तो दोस्तों आठवें चैप्टर में हम यहाँ पर करेंगे प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद के उपागम। ये क्या होते हैं दोस्तों, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि यह अपडेटेड टॉपिक है जो अपडेट किया गया था यानी कि आपके सिलेबस में नया जोड़ा गया था। दोस्तों इस टॉपिक के बारे में आपको यूट्यूब पर सबसे पहले तो आपको वीडियोस मिलेंगे नहीं, अगर थोड़े बहुत मिले भी तो उनमें इसको अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझाया नहीं गया है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपको इसको अच्छी तरह से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और आप भी इसको अच्छी तरह से समझना दोस्तों। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवाद को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में, उन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद करना ज़रूरी है, उन्हीं से हम समझ पाएंगे कि प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद क्या होता है यानी कि उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या होता है दोस्तों। इसको इंग्लिश में पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च भी कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगस्ट कामटे कौन थे दोस्तों, फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के पिता थे। कौन थे? अगस्ट कामटे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था दोस्तों, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, क्या नाम था उस सिद्धांत का? लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस यानी कि तीन सत्रों का नियम लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। तो दोस्तों वो थ्री स्टेजेस जो लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस था वो क्या था, वो नियम क्या थे, उनके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले ए स्तर का नियम क्या था, धर्मशास्त्रीय यानी कि काल्पनिक सतर, जिसको हम धर्मशास्त्रीय सतर भी कहते थे और इसको हम काल्पनिक सतर भी कहते थे दोस्तों। इसमें क्या था, इसमें देखिए बाढ़ तूफान आंधी चक्रवात में अलौकिक शक्तियों का हाथ माना जाता था, यानी कि अगर कोई बाढ़ आ रही है या फिर तूफान आ रहा है तो लोग ये सोचते थे कि इस बाढ़ के पीछे अलौकिक शक्तियों का हाथ है, यानी कि कोई अलौकिक शक्ति अलग से है जो बाढ़ को लाती है, तूफान को लाती है, आंधी को लाती है और चक्रवात को लाती है दोस्तों। तो इसमें कोई भी घटना अगर हो जाती थी प्रकृति में तो वहाँ पर लोग मानते थे कि यहाँ पर अलौकिक शक्तियों का हाथ है, यानी कि इन कामों में अलौकिक शक्तियों का हाथ है दोस्तों। उसके बाद इसी के तीन भाग थे, प्रेतवाद, बहुदेवतावाद और एक केश्वरवाद। प्रेतवाद क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी बाढ़ तूफान आंधी आ रहा है तो लोग समझेंगे कि ये प्रेतों ने करवाया है यानी कि भूतों ने करवाया है, यानी कि तूफान अगर आ रहा है तो इसके पीछे भूतों का हाथ है। तो दोस्तों ये था प्रेतवाद। उसके बाद क्या आया, बहुदेवतावाद, यानी कि यहाँ पे लोग बहुत सारे देवताओं को मानने लगे, बहुत सारे देवताओं में अपनी आस्था रखने लगे, तो उसे कहने लगे बहुदेवतावाद। उसके बाद दोस्तों एकेश्वरवाद, यहाँ पे क्या हुआ कि सभी लोग एक ईश्वर को मानने लगे, यानी कि वो कहने लगे कि देवता चाहे बेशक अलग हैं लेकिन इनको चलाने वाला एक ही ईश्वर है, यानी कि सारी प्रकृति को चलाने वाला कोई एक ईश्वर है, तो यहाँ पे एकेश्वरवाद को मानने लगे। ये तीनों धर्मशास्त्र के यानी कि काल्पनिक सतर के तीनों भाग हैं दोस्तों। अब आता है बी सतर। बी सतर का नाम क्या था, तात्विक यानी कि अमूर्त सतर, तात्विक यानी कि अमूर्त स्तर। इसमें क्या था दोस्तों, देखिए इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसमें मनुष्य यहाँ वस्तुओं के गुणों के आधार पर उनकी शक्तियों को मानने लगा। वस्तुओं के गुणों के आधार पर कैसे, जैसे कि पेड़ फल देता है या गाय भैंस दूध देती है तो गाय भैंस को मानने लगा, उनकी पूजा करने लगा, पेड़ फल देता पेड़ों की पूजा करने लगा, जैसे कि पीपल ऑक्सीजन देता है तो पीपल वातावरण को शुद्ध करता है, साफ करता है, तो वहाँ पर पीपल की पूजा करने लगे। इस तरह से मतलब जो भी वस्तु है उसके गुण के आधार पर उसकी रेस्पेक्ट यहाँ पे करने लगे, यानी कि उनकी शक्तियों को मानने लगे। तो इसे कहा, क्या कहा गया दोस्तों, तात्विक यानी कि अमूर्त सतर, तात्विक यानी कि अमूर्त स्तर, तात्विक कहो या अमूर्त कहो एक ही बात है। अब चलते हैं दोस्तों सी सतर पर। सी सतर कौन सा था, देखिए प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक सतर, इसे क्या कहा गया, प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक सतर। यहाँ पर आप समझने लगे होंगे थोड़ा थोड़ा, तो इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें भावनाओं, अलौकिक शक्तियों, सुनी सुनाई बातों, अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, किसमें, प्रत्यक्षवाद यानी कि वैज्ञानिक सतर में।
इसमें क्या था, इसमें ना तो भावनाओं की कोई जगह थी, ना ही यहाँ पे कोई अलौकिक शक्तियों की कोई जगह थी। कोई ये नहीं मानता था कि कोई काम अगर हो रहा है तो अलौकिक शक्तियों से हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे ना कोई सुनी सुनाई बातों की कोई यहाँ पे कोई पूछता था, यानी कि उसके बाद ना कोई अंधविश्वासों का यहाँ पे कोई स्थान था, ना कोई सुनी सुनाई बातों का यहाँ पे कोई स्थान था। दोस्तों यहाँ पे क्या था, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि यहाँ पे कोई भी अगर कुछ कोई भी घटना हो रही है तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण को देखा जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाता था कि भूत ने करवाया है या किसी ईश्वर ने करवाया है या किसी ने भी और ने करवाया है, यहाँ पे सिर्फ उसके कारण को देखा जाता था, कारण और विधियों को देखा जाता था। उसके बाद दोस्तों जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, अगर बाढ़ आए तो उसके लिए पर्यावरण को उत्तरदायी माना जाता था। दोस्तों आपको ये मैं बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे ना तो आपको अलौकिक शक्तियों का कोई स्थान था, ना ही कोई देवतावाद का कोई स्थान था। यहाँ पे क्या था कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी घटना होती है तो उसके लिए पर्यावरण को उत्तरदायी माना जाने लगा, यानी कि कारण एंड मेथड, यानी उसके कारण को जानते थे और साइंटिफिक रीज़न को जानते थे कि यह घटना क्यों हुई है, किस लिए हुई है। तो इसे क्या कहते थे दोस्तों, इसको कहते थे वैज्ञानिक स्तर, यानी कि प्रत्यक्षवाद स्तर। तो आप इन तीनों को जान ही गए होंगे। सबसे पहले अगस्त कामटे ने, कामटे को क्या कहा जाता था दोस्तों, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र के पिता इन्हें कहा जाता था। इसने तीन नियम दिए थे, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, कौन से, एक तो धर्मशास्त्रीय काल्पनिक सतर, यहाँ पे आंधी तूफान अगर चल रहा है तो यहाँ पे मानेंगे कि अलौकिक शक्तियों से चल रहा है। उसके बाद दोस्तों तात्विक अमूर्त स्तर, यानी कि मनुष्य यहाँ वस्तुओं के गुणों के आधार पर उनकी शक्तियों को मानते थे, जैसे कि पेड़ फल देते हैं तो उनको पूजने लगे, गाय भैंस दूध देती है तो उनको पूजने लगे। उसके बाद दोस्तों आता है प्रत्यक्षवाद स्तर, यानी कि वैज्ञानिक स्तर। इसमें भावनाओं, अलौकिक शक्तियों, सुनी सुनाई बातों, अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं था। यहाँ वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता था, अगर कोई भी घटना होती थी तो वहाँ पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके उसका पता लगाया जाने लगा। तो इसे कहते हैं प्रत्यक्षवाद। जैसे कि एग्जाम्पल था दोस्तों इसमें, अगर बाढ़ आए तो उसके लिए पर्यावरण को उत्तरदायी माना जाता था। तो दोस्तों ये मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे, ये कुछ पॉइंट्स थे। अब करते हैं इससे आगे, एक मिनट, अब देखिए इससे आगे करते हैं। ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है तीनों स्तर आपको अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए अब करते हैं इससे आगे, अब समझते हैं प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद में फ़र्क क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं और इसको समझते हैं अच्छी तरह से करते हैं। देखिए प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म और उत्तर प्रत्यक्षवाद यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो इसमें देखते हैं पॉइंट्स टू पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है प्रत्यक्षवाद का, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबूत होना चाहिए, सुनी सुनाई बातों का यहाँ कोई काम नहीं है। किसके अंदर, प्रत्यक्षवाद के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, प्रत्यक्षवाद के अंदर, यानी कि पॉजिटिविज्म के अंदर। उसके बाद अप्रत्यक्षवाद में क्या होगा, अगर रिसर्च में व्यक्तिवादिता आ जाए तो उसे सही करने के लिए पोस्ट पॉजिटिविज्म का उपयोग करेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि रिसर्च करते हैं और रिसर्च हम खूब सही करते हैं, वैज्ञानिक मेथड से करते हैं, वैज्ञानिक तरीकों को यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि लोगों के अंदर भावना अलग आ जाती है, यानी कि लोगों के अंदर व्यक्तिवादिता आ जाती है, किसी के प्रति रुझान हो जाता है, तो वहाँ पे रिसर्च आपकी ख़राब हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर रिसर्च ख़राब हो जाती है, वहाँ पे व्यक्तिवादिता आ जाती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म मेथड का। यहाँ पे क्या होता है कि वो जो व्यक्तिवादिता होती है उसको रिसर्च के अंदर से ख़त्म कर दिया जाता है और सबूतों के हिसाब से यहाँ पे रिसर्च की जाती है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, यह भौतिकतावादी यानी कि फिजिकल फीचर है। दोस्तों यहाँ पे करके देखते हैं मेथड से, यानी कि भौतिकतावादी है, करके हम किसी प्रॉब्लम को देखेंगे। उसके बाद इसमें क्या है दोस्तों, अगर पॉजिटिविज्म पर शंका उत्पन्न होने भय प्यार पक्षपात के कारण तो हम इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों देखिए अगर पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद में अगर कोई शंका उत्पन्न हो जाती है हमें कोई भी प्रकार की, यानी कि जैसे कि कोई रिसर्च करने वाला किसी के भय के कारण कोई गलत आंकड़े जमा कर देता है या किसी के प्यार में आकर फालतू के आंकड़े जोड़ देता है रिसर्च में, या फिर कोई पक्षपात के जरिए वो अपने रिसर्च में कुछ आंकड़े गलत जोड़ देता है, तो उसको सही करने के लिए हम पोस्ट पॉजिटिव यानी कि उत्तर प्रत्यक्षवाद का सहारा लेते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है देखिए,
इसमें शुद्धिकरण नहीं होता है दोस्तों, इसमें जो रिसर्च करते हैं तो उसमें ज़्यादा शुद्धिकरण नहीं होता है किसके अंदर, प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म के अंदर। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या होता है, यह एक मैथमेटिकल अप्रोच है, यह एक मैथमेटिकल अप्रोच है, यहाँ सारे आंसर एक्यूरेट आते हैं यानी कि यूनिवर्सल होंगे। दोस्तों कैसे, जैसे कि यहाँ पे दो और दो चार होते हैं तो वो दो और दो चार ही होंगे और वो सब जगह चार ही होंगे, यानी कि अमेरिका में जाके दो और दो को ऐड कर लो तो वहाँ पे भी चार ही होंगे, और आप चीन में जाकर कर लो दो और दो को चार, दो और दो को ऐड तो वहाँ पे भी वो चार ही होंगे। यानी कि यह एक मैथमेटिकल अप्रोच है, कौन सी, उत्तर प्रत्यक्षवाद पोस्ट पॉजिटिविज्म मैथमेटिकल अप्रोच है, यहाँ सारे आंसर एक्यूरेट आते हैं यानी कि आंसर एकदम एक्यूरेट आते हैं, और प्रत्यक्षवाद में क्या हो सकता है दोस्तों, आंसर एक्यूरेट ना आए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद में आंसर आपके एक्यूरेट आएंगे और वो आंसर यूनिवर्सल होंगे यानी कि वो सब जगह मान्य होंगे। उत्तर प्रत्यक्षवाद में ऐसा नहीं होता है, इसमें आपके आंसर ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट आए और ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल हों। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, यहाँ रिसर्चर और रिसर्च को फ्री छोड़ दिया जाता है। दोस्तों रिसर्च करने वाले को रिसर्चर कहते हैं और जिस तथ्य के ऊपर, जिसके ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर वह रिसर्च कर रहा है, उन दोनों को वहाँ पे फ्री छोड़ दिया जाता है, किसके अंदर, प्रत्यक्षवाद के अंदर यानी कि पॉजिटिविज्म के अंदर। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या होता है दोस्तों, यहाँ यह पॉजिटिविज्म में जो भी गलतियाँ रह गई थी उनमें सुधार करता है। तो पॉजिटिविज्म में जैसे कि रिसर्चर को और रिसर्च को फ्री छोड़ दिया गया तो उसके अंदर कोई गलतियाँ भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, अगर फ्री छोड़ा गया है तो उन पर अंकुश लगाने के लिए, उनमें अगर कोई गलतियाँ हैं तो उनको सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तर प्रत्यक्षवाद यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, देखिए इसको भी देख लेते हैं, यह मात्रात्मक शोध पर बल देता है, यानी कि आंकड़े यहाँ अच्छे आने चाहिए, कौन सा, पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या होता है दोस्तों, यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पर बल देता है, यहाँ पे आंकड़े अच्छे भी आने चाहिए और गुणात्मक भी आने चाहिए दोस्तों, यानी कि आंकड़े अच्छे आने चाहिए और उनके अंदर गुण भी होना चाहिए उत्तर प्रत्यक्षवाद के अंदर। और प्रत्यक्षवाद के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ मात्रात्मक शोध पर बल देते हैं, गुणात्मक पर नहीं देते, इसका मतलब आंकड़े यहाँ पर सही आने चाहिए और उससे ज़्यादा कोई यहाँ पे मतलब नहीं होता है दोस्तों, यह दोनों पर बल देता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या रह गया, यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि से आंकड़े निकालते हैं, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से आंकड़ों को निकाला जाता है। उसके बाद उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या है दोस्तों, यह कहता है कि उन आंकड़ों की छानबीन एक बार और करो। तो दोस्तों प्रत्यक्षवाद में बिल्कुल हम मानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से आंकड़ों को निकाला जाता है, लेकिन जो उत्तर प्रत्यक्षवाद होता है यह कहता है कि उन आंकड़ों की छानबीन एक बार और करो, हो सकता है उसके अंदर कोई गलती रह गई हो। तो दोस्तों ये मुझे उम्मीद है कि आपको उत्तर प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों और इसमें से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नया टॉपिक जुड़ा है आपके सिलेबस के अंदर। तो आपको प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद आपको समझ में यहाँ पे बिल्कुल आया होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं इसके अंदर और सबको मैंने अलग अलग क्लियर यहाँ पे किया है। अगर थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर 8 यानी कि चैप्टर 8, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों अपने दोस्तों के पास, और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जब आप हमारा साथ देते हो तो हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ता है अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।